हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स पे। सो फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे कोर्स के बारे में जो फ्रेंड स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर रहता है, और ख़ास करके अगर आप फ्रेंड टेंथ के एग्ज़ाम दिए हैं अभी आपने, तो फ्रेंड ये कोर्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। फ्रेंड ये कोर्स है पॉलीटेक्निक का। फ्रेंड पॉलीटेक्निक जनरली दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और टेक्निक का मतलब होता है कला, मतलब किसी को काम को करने की बहुत सारी कला जो होती है उसी को पॉलीटेक्निक कहा जाता है। फ्रेंड आज मैं आपसे ये बात नहीं करूँगा कि पॉलीटेक्निक क्या होता है, ये कितने साल का होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड वगैरह वगैरह। फ्रेंड आज मैं आपसे बात करूँगा क्या हमें पॉलीटेक्निक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड अगर आपने ये क्वेश्चन मुझसे आज से 10 और 15 इयर्स पहले पूछा होता, सो फ्रेंड मैं शायद आपको कहता कि यस, पॉलीटेक्निक आपको ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट फ्रेंड ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हाल ही में टेंथ के एग्ज़ाम दिए हैं और जो फ्रेंड कहीं भी जॉब करने की क्या कहते हैं तलाश में हैं। फ्रेंड इस पॉलीटेक्निक के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि फ्रेंड पॉलीटेक्निक से आप जो 12th के टॉप बोर्ड एग्ज़ाम है उनको फेस करने से बच सकते हो फ्रेंड, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं आप हाई कटअप से भी बच सकते हो जो कॉलेजेस की इस समय जाती हैं। और फ्रेंड इसका जो बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है कि पॉलीटेक्निक से आप कैंपस प्लेसमेंट काफ़ी आसानी से ले सकते हो, जो फ्रेंड आपको कॉलेजेस से बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और फ्रेंड अगर मैं एक और इसके एडवांटेज की बात करूं जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो पॉलीटेक्निक कोर्स होता है इसमें आप फ्रेंड बाकी टेक्निकल कोर्सेज के आधी ट्यूशन फीस में आपको टेक्निकल नॉलेज मिल जाती हैं। ऐसा फ्रेंड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर और पॉलीटेक्निक के अलावा कोई और आप टेक्निकल कोर्सेज देखते हो, जैसे बीटेक आप देखते हो, तो फ्रेंड वहाँ पे जो फीस होती है उसकी आधी से कम की फीस में आप पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हो और टेक्निकल नॉलेज ले सकते हो, और बीटेक वाली जॉब जो होती हैं फ्रेंड उनमें भी आप क्या कम्पीट कर सकते हो आपके पास अगर अच्छी टेक्निकल नॉलेज है। बट अगर मैं बात करूँ क्या इस टाइम पर भी पॉलीटेक्निक कोर्स इतना इफ़ेक्टिव है, तो फ्रेंड्स शायद मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि पॉलीटेक्निक कोर्स इस समय एट द प्रेजेंट टाइम इतना शायद इफ़ेक्टिव नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू बिफोर 10 और 15 ईयर्स जितना था। क्योंकि फ्रेंड इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। देखिए जो पहला रीज़न है कंपटीशन। फ्रेंड ये आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि CET मतलब जो कि पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें स्टूडेंट्स हर ईयर बढ़ते चले जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ना ही सिर्फ पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है बल्कि पॉलीटेक्निक करने वाले स्टूडेंट्स की भी संख्या बढ़ रही है। इसलिए फ्रेंड गवर्नमेंट भी पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में कुछ सीटें बढ़ाने का सोच रही है। तो फ्रेंड इससे पता चलता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है पॉलीटेक्निक कोर्स में। फ्रेंड अगर मैं क्रूड रीज़न बताऊं जिसकी वजह से मुझे लगता है जो पॉलीटेक्निक कोर्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो रही है, तो फ्रेंड वो है स्लो डाउन इकोनॉमी। फ्रेंड अगर अब आप सोच रहे हो इकोनॉमी का पॉलीटेक्निक कोर्स से क्या रिलेशन है, तो फ्रेंड समझिए जो पॉलीटेक्निक कोर्स है वो बेसिकली पूरा प्लेसमेंट सेल पर बेस्ड करता है। जो भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेता है उसका मेन मोटिव होता है प्लेसमेंट का। लेकिन फ्रेंड जो स्लो डाउन इकोनॉमी है जो सारे सेक्टर्स को इफेक्ट कर रही है, चाहे वो IT सेक्टर हो चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, तो फ्रेंड इससे जो प्लेसमेंट का सेल है काफ़ी हिला हुआ है। इससे फ्रेंड पॉलीटेक्निक कोर्स पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड इसीलिए मैंने ये पॉइंट को जोड़ा है कि पॉलीटेक्निक कोर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो स्लो डाउन इकोनॉमी की वजह से कम हो रही है। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, ये पॉइंट मैंने पर्सनली फील किया है, और ये पॉइंट है फ्रेंड इन्वायरमेंट का। फ्रेंड अगर मैं आपसे बात करूं आज से 10 से 15 साल पहले जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस का इन्वायरमेंट होता था, जो स्टडिंग इन्वायरमेंट होता था, शायद फ्रेंड आज वो नहीं है, क्योंकि फ्रेंड मैं भी एक डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हूँ, तो फ्रेंड मुझे पता है जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस का स्टडिंग इन्वायरमेंट है फ्रेंड आज से जितना 10 और 15 ईयर्स पहले उतना अच्छा था, आज शायद उतना अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या कहते हैं आप उस कॉलेजेस में जाके कैसे अपनी स्टडीज को मेंटेन करते हैं, ये भी आपके लिए एक टफ जॉब है। तो फ्रेंड ये थे कुछ पॉइंट जिनके बिहाव पे मैं कह सकता हूँ शायद पॉलीटेक्निक कोर्स इतना इफेक्टिव इस समय नहीं है। लेकिन फ्रेंड अगर मैं फिर भी अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँ इस पर कि पॉलीटेक्निक सही है या फिर गलत है एट प्रेजेंट टाइम, तो फ्रेंड मैं फिर भी यही कहूँगा कि पॉलीटेक्निक इज़ स्टिल अ राइट चॉइस।
फ्रेंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी रीज़न मेरे पास है। देखिए फ्रेंड, पहला जो रीज़न है वो है कंपटीशन इज़ एवरीवेयर। फ्रेंड जैसा मैंने बात किया, कंपटीशन है, लेकिन फ्रेंड अगर आप ये देखोगे कि कंपटीशन तो हर जगह है। एक रेलवे की जॉब निकलती है फ्रेंड, वहाँ पे इतना कंपटीशन होता है। अगर किसी भी गार्ड की जॉब निकलती है तो उसमें उससे हायर अपर लेवल वाले क्वालिफाइड बंदे उसके लिए भरते हैं। तो फ्रेंड इससे पता चलता है कि कंपटीशन तो हर जगह है, उससे फ्रेंड आपको नहीं डरना है। और अगर मैं दूसरा पॉइंट बात करूँ स्लो डाउन इकोनॉमी, तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा, जो स्लो डाउन इकोनॉमी हो तो सारे सेक्टर्स को अफेक्ट कर रही है। अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करोगे, कोई भी और कोर्स करोगे, कोई और टेक्निकल कोर्स या फिर नॉन टेक्निकल कोर्स, तो फ्रेंड पॉलिटेक्निक जो इकोनॉमी है, स्लो डाउन इकोनॉमी, तो वो तो वहाँ पे भी अफेक्ट करने वाली ही है। सो मैं अगला अगर रीज़न की बात करूँ, तो फ्रेंड जो मैंने इस वीडियो में पहले भी जो है किसका एडवांटेज डिस्कस किया था, जो मैंने कहा था इसका जो बिगेस्ट एडवांटेज है, जो फ्रेंड आपको टेक्निकल नॉलेज मिलती है लेस ट्यूशन फीस में, और बल्कि मैं कहूँ फ्रेंड बिल्कुल आधी ट्यूशन फीस में जो आपको टेक्निकल नॉलेज मिलती है फ्रेंड पॉलिटेक्निक कोर्स में, वो शायद इंडिया के किसी भी कोर्स में आपको नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड ये जो एडवांटेज है पॉलिटेक्निक का, जो टेक्निकल नॉलेज है इतनी कम ट्यूशन फीस में, फ्रेंड मेरे ख्याल से ये इसकी सारी डिसएडवांटेज को छुपा देता है। क्योंकि फ्रेंड अगर आपने पॉलिटेक्निक सही से किया तो आपके पास बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज होने वाली है। तो फ्रेंड अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप, मुझे लगता है इस वर्ल्ड में जो टेक्निकल वर्ल्ड है और फ्यूचर में और ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की डिमांड बढ़ने वाली है, तो फ्रेंड वहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पॉलिटेक्निक के बिहाफ पर। सो फ्रेंड ये थी कुछ बातें जिनकी वजह से मुझे लगता है कि पॉलिटेक्निक आज भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बाकी अदर कोर्सेज से। सो फ्रेंड्स अगर आप पॉलिटेक्निक करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन बस फ्रेंड इसी बात का ध्यान रखिए कि पॉलिटेक्निक आप सिर्फ करने के लिए मत कीजिए, आप फ्रेंड वहाँ पे कुछ सीखने के लिए कीजिए। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आपको किसी ने कह दिया तो आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, नहीं फ्रेंड आप पॉलिटेक्निक अगर कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ सीखने के लिए कीजिए। क्योंकि फ्रेंड आज के टाइम पे अगर आपने फ्रेंड पॉलिटेक्निक कर लिया, बस आपने बस ऐसे वहाँ पे गए, बस आपने 3 साल वहाँ पे बिता दिए, तो फ्रेंड उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर पॉलिटेक्निक आप कर रहे हो फ्रेंड, तो वहाँ पे कुछ सीखिए, कुछ टेक्निकल नॉलेज को गेन कीजिए, तो फ्रेंड वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। फ्रेंड ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने भी पॉलिटेक्निक की है, नहीं फ्रेंड मैं इस भी आप पे कह रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक वाकई काफ़ी अच्छा कोर्स है इस टाइम पर भी। बस आपको पॉलिटेक्निक सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, सीखने के लिए करना है। सो फ्रेंड वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगे तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।